Threshold frequency mu naught is the minimum frequency which a photon must possess to eject an electron. ये कहानी तो फालतू की है, हमें पहले गिवन चीजें देखनी है. Where a photon of frequency, तो ये न्यू है या न्यू न्यू नॉट है? न्यू. इतनी नींद कैसे आती है किसी ने? कभी सोचा तूने? दो साल से तू सो रहा है क्लासेस में. वन इंटू पहले आके खोल के ऐसे सोता था, आंखें बंद करके लिखता था, अब खुलेआम सोने लग गया. तो न्यू इज इक्वल टू 10^15 हर्ट्ज. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ये सुनो. वेरी गुड. काइनेटिक एनर्जी गिवन कितना? 1.98 × 10⁻¹⁹. इसको 2 लेने का ही मन कर रहा है वैसे, पर पर दिखाएंगे नहीं. ठीक है, देखते कितना मिले. शो दैट एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड व्हेन अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू 600 नैनोमीटर हिट्स. पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है. पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ठीक है, वही फॉर्मूला. एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर तब लिखते इसे जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दे रखी होती. अभी क्यों कॉम्प्लेक्स करें? हाँ, तो इसको क्या करूं? एच न्यू, एच की वैल्यू 6.626. करना इसे सॉल्व इंटू 10⁻¹⁴. तो एच न्यू कितना आया? 6.626 इंटू 10⁻¹⁴ इंटू 1 × 10⁻¹⁵. ये तो वही आ गया, 6.626 इंटू 10⁻¹⁹. ठीक है, तो ये यहां पे पुट कर देते हैं. लेट अस पुट इट हियर. 6.626 × 10⁻¹⁹ इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 1.98 × 10⁻¹⁹. नहीं, माइनस करना है, इंटू तो करना ही है, तो 1.98 ही लो. हाँ, माइनस में होगा ये. तो 6.626 × 1 − 1.98 माइनस करना. तो 6 में से 0 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 5 में से 9 गए 6. ठीक है, एंड 5 में से 4.646 × 10⁻¹⁵. यस बोलिए. एच न्यू गिवन है, एच न्यू नॉट थोड़ी गिवन है. हाँ, वैसे लगाना ही नहीं चाहिए था, हमें कॉमन लेके करना चाहिए था, उससे क्वेश्चन और आसान हो जाता. न्यू नॉट निकालना है ना, तो एच न्यू नॉट को उधर भेज देते, एच कॉमन ले लेते, न्यू माइनस न्यू नॉट आ जाता. माइनस करने पे 6 में से 0, 12 में से 8, 4 ही तो होता है. ये चीज इधर गई तो माइनस प्लस 1, इसको इधर भेज देते. माइनस नहीं, प्लस आया. प्लस ये कह रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लस आया. 1988 है. अच्छा, फिर क्या आया है? 4.638 आ रहा है. 4.638. हाँ बोले. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाँ लिख सकते हो, पर वो देखो कितना माइनस करना है ना, माइनस में दिक्कत आएगी. हाँ, तो माइनस में मत करो. अरे रिकॉर्डिंग अभी शुरू हुई है. चलो, तो यहां तक समझ आया. न्यू नॉट इक्वल टू 4.64 × 10, ये फाइनल आंसर है 6.9 × 10⁻¹⁴. अब अगर 600 नैनोमीटर की लाइट अगर हिट करेगी तो फोटोइलेक्ट्रिफिकेट नहीं होगा. देखते हैं कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो देखना है. तो तुम लैम्डा है ना, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 600 नैनोमीटर को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, 600 इंटू 10 इज पावर माइनस 9, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 और न्यू, तो न्यू को उधर ले जाते हैं, न्यू वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 600, वो तो बोल ही रहनी होगा, माइनस 9, तो बचा गया 1 बाय 200, 1 बाय 2, और 10 इज पावर माइनस 7 ऊपर जाके प्लस 15 हो गया, और 0.5 इंटू 10 रेज पर 15 हर्ट्ज, तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। इस केस में वी विल से, एज वी कैन सी, ये जो नई वाली फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इट इज लेस देन न्यू नॉट, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट अकर, क्योंकि हमने बोला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, तुम्हें याद है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो हम बोलते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होता, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ऐसे एक और कर लेंगे। कौन सा 6.9? ये है ना, आएगी ना, होगी ना, अगर इक्वल होगी तो रुक जाएगा। सिक्स दिए को अभी हमने निकाल के देखा, आई है 5 इंटू 10 इज पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है।